अजी उसे ऊपर और क्या बोला, इधर आओ, कैसा हो रहा मेंबर और बढ़ गया हमारे साथ ये दीदी यहाँ पे। हेलो गुड मॉर्निंग नमस्ते, कैसे हैं आप सब, मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। मैं सोनम राणा नक्सली से, ये है आरू, हाय बोलो। आज आरू का विजन अब अंदर नहीं जाना आपने। खुश हो? आरु तो पास हो गई की फेल। क्या हो गई तू? अदिति और आरु जा रहे हैं अभी रिजल्ट लेने। आरु का रिजल्ट आ गया है आज। आज तो अदिति का तो पता नहीं कब आएगा, 9 तारीख को आएगा। अदिति का तो 9 तारीख को आएगा, लेकिन अदिति क्यों कभी परसों कर दी खत्म हुई ना, परसों तो इसका रिजल्ट बाद में आएगा। तो आरु के 1-2 दिन पहले खत्म हो गए थे। देखो कितनी खुश हो रही है ना। तो अभी जब ये लोग रिजल्ट लेके आएंगे फिर मैं बताती हूँ। हेलो गाइस, मेरे कान से हेलो गा, क्या करनी है अभी शिकायत? मत करना, कुछ मत बोलना, नहीं करेंगे नहीं करेंगे। क्या था मजाक? बाय। तो ये दोनों तो चले गए रिजल्ट लेने के लिए। जब तक ये दोनों आते तब तक मैं भी थोड़ा सा घर का सारा काम निपटाती हूँ। अभी तो 9:30 हो रहे हैं सुबह की, तो भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, उसको निपटाती हूँ। दिखाओ आर दिखा, कितने कैसे मार्क्स आ रहे हैं आपके? अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। मैम ने क्या बोला आपको? वेरी गुड बोला। और क्या बोला, इधर आओ, क्या बोला मैम? वेरी गुड बस, और कुछ नहीं बोला? और कुछ ये नहीं बोला, पढ़ाई करते रहना, घर में छुट्टियां हैं थोड़ा पढ़ाई भी करना, मस्ती करना, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। क्या लिखा हुआ? वेरी गुड लिखा हुआ। अच्छा क्या लिखा हुआ, किसका नाम लिखा हुआ? ये मेरा है। खुशी में पास होने की खुशी में खिला रही तुझे वो, क्या खिला रही है? केक। अब मम्मा के लिए कहाँ है? तो ये है आरू का रिजल्ट। तो आज आरू भी कौन सी क्लास में गई? आरू आपको पता कौन सी क्लास में गए हो? अपने कौन सी क्लास में गए हो? यूकेजी में गए हो? एलकेजी में थी, एलकेजी में गई। अब तो दूसरी क्लास में जाओगे ना आप? तो यहाँ पे ताऊ जी आ रखे थे, तो यहाँ पे मम्मी उनके लिए खाना बना रही है। यहाँ पे ये दाल वहाँ प्रेशर कुकर में रख रखी है, और तो यहाँ पे मम्मी अभी सब्जी के लिए वो कर रही है।
ये हरी सब्जी है, मैं इसको थोड़ा सा धोती हूँ तो उनके लिए हरी सब्जी बनाती हूँ। ये है सब्जी, तब जब खाना बन जाएगा तो हम पूरा खाना दिखाएंगे आपको, वैसे तब तक के लिए जाऊंगा। तो ये जर्जी आ रहे हैं तो उनके लिए मैंने थोड़ा देर हल्ले बचे हुए थे, थोड़ा उनको भी टेस्ट कराने के लिए ले जाती हूँ। तो ये है, देखते हैं उनको पसंद आते हैं नहीं आते, दे देते हैं थोड़ा से बचे हुए थे। तो जर्जी है, वैसे दही खाते नहीं है तो इसमें दही भी है, तो उन्होंने वो खाने के लिए मना कर दिया, बोले नहीं खाते घर में, तो वो चावल ही खाएंगे अब चावल। तो यहाँ पे मम्मी ने बना रखी है दाल और ये चावल, और इसमें इसके नीचे हरी सब्जी है, ये हरी सब्जी है इसके नीचे। तो ये है ताऊ जी के लिए, तो मम्मी ले जा रही है। ये अदिति भी खाना खाने लग गई है। अदिति कैसा हो रहा? अच्छा हो रहा। तो ये देखो चटनी के साथ मैंने कल चटनी बनाई थी, इसको बहुत पसंद आई है ये चटनी, तो ये हर बार ये चटनी खाई जा रही है। कितनी मस्त हो रही है चटनी, थोड़ा तारीफ कर ले चटनी की भी। सबसे गंदी, सबसे अच्छी, गंदी है, अच्छी है, गंदी है, गंदी। तो फ्रेंड्स सर्दिन का काम पूरा काम हो गया, मैं खाना वाना खा लिया, बर्तन धो लिया, थोड़ा सा आराम कर लिया था। अब ये हैं 5:30 हो गया है, तो अब जा रहे हैं घूमने, तो सीधे चलते हैं घूमने। तो हम आ रखे हैं अभी घूमने, ये है सजवान दीदी और मैं, तो हम दोनों आजकल डेली आ रहे हैं, तो हमने छोड़ दिया पीछे शनि मंदिर हमने क्रॉस करके, अभी हम जा रहे हैं आगे तक, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। हम दोनों के दोनों अभी हैं, अभी बाकी तो सब लोग पीछे ही हैं, तो अभी हम दोनों भी लगे हुए हैं अकेले, और तो कोई नहीं हमारे साथ, हम अकेले हैं आज। बोल तो बहुत रहे थे कि हमारे तो अभी दिख तो है नहीं रहे पीछे, तो होंगे अभी इसमें सब पीछे, देखते कितने आते हैं हमारे साथ आगे, तो मिलते हैं आगे। अब पहुंच चुके हैं यहाँ पे पानी तक, जहाँ पे बस पास में ही कुबेटीधार स्कूल है, और यहाँ पानी, ये पानी पी के हम जरूर जाते हैं डेली, ये पानी बहुत ही अच्छा है, निकलने वाला पानी है, बहुत सदाबहार पानी है, तो इसका स्वाद ही अलग है। पीने में बहुत लगता है, प्यास जल्दी बुझ जाती है, और पीने में इसका स्वाद ही अलग है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। अगर किसी को जुकाम, लोग बोलते ना अगर ऐसे पानी पीने से जुकाम लगता है, लेकिन इसे सब ठीक हो जाता है। तो ये मान लो कि ये एक जुकाम की दवाई भी है, सर्दी जुकाम हो जाए तो यहाँ पे आना, कोई भी घनसाली वाले देख रहे हैं तो ये पानी पीना और सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा। पानी पी लिया है, पानी पी के हमने प्यास बुझा दी है, अब जा रहे हैं हम सीधे वापस घर के लिए, तो अंधेरा भी होने वाला है, तो हम जाते हैं घर को। रुके हुए हो सामने सामने पे अभी, तो ये हमारे इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़े देर हमसे पहले आ गए थे। मैं थक गए, ये बैठे हुए आराम फरमा रहे, मेंबर और बढ़ गया हमारे साथ, ये दीदी यहाँ पे अभी हमारा इंतजार कर रहे थे। हाँ तो मैं बोल दिया था इनको पानी पीने के लिए, चलो ये आई नहीं हमारे साथ, इन्होंने कहा मैं होके आ गई हूँ, तो ये हम बस घुमाने बोले थकी बोले तथी बोच बोल ते से जानी बोलन बोलो आज अच्छा मैं कैमरा बंद खोलता बोल बोल। तो ये है हमारा घनसाली मार्केट, मजा मार्केट तो नहीं है इधर, कमी है फिलहाल, मार्केट तो उस साइड है,
पर ये जहाँ हम रहते हैं हमारा रूम है वहाँ का नजारा है ये। पता नहीं चल रहा हम कितने। तो गाइस हो गए हैं 7:45, अब घर पे पहुंच चुकी हूँ मैं और यहाँ पे आरो भी सो के उठ चुकी है। देखो उन्होंने लग गया ये। और अरे थी पता नहीं क्या कर रही है, यहाँ पे पेपर तो हो गए इसके, लेकिन पता नहीं क्या लिख रही है आज, क्या लिख रही है, क्या लिख रही है, ये ड्राइंग बना रही है। देखो अदिति की ड्राइंग, ये देखिए आजकल अदिति बस ड्राइंग का काम कर रही है। ये है अदिति की ड्राइंग। और क्या क्या बनाया था, और भी बनाई थी आपने, क्या क्या बनाया था? दो बार बनाया, यही है, और भी बना रखी है, दिखा दो, दिखा देना, दिखा। ये देखो एक ये बना रखी है अदिति ने, ये रफ बनाई और ये बना रखी है। ये कृष्ण भक्त है तो इसलिए ये गाना की ड्राइंग बनाती रहती है, तो आपने देखे होंगे बहुत अच्छी बनाती है, वाकई में सबसे अच्छी बनाती है ड्राइंग, तो कभी दिखाऊंगी मैं जब अच्छी। अभी तो 13 तारीख इनकी स्कूल खुलेंगी, तब तक तो पता नहीं कितने कितने ड्राइंग बन जाएगी। तो फ्रेंड्स आज मैं बना रही हूँ कच्चे केले की सब्जी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और गुणों की खाना है ये, लेकिन आज मैं इसकी रेसिपी नहीं बताऊंगी, दूसरे दिन बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है, तो इसलिए आज सिर्फ मैं ये दिखा रही हूँ कि मैं आज कच्चे केले की सब्जी आज गोल गोल काटे हुए मैंने, अभी मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, तो थोड़ा सा इनको मैं ढक के अच्छे से धनिया पकाने के लिए रख देती हूँ। तो देखते रहे सोनम्स किचन।